जारी है AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप मैच, जो कि एक स्ट्रीट फाइट है। एक तरफ बिग बिल और रिकी स्टार्क्स, दूसरी तरफ सैमी गुवारा और क्रिस जेरिको। मैच में सब कुछ जायज है, मैच का फैसला कहीं भी हो सकता है। और ये देखिए सैमी गुवारा का शानदार पलटवार, दीवार से जाके समरसॉल्ट करके वापस आए, जॉ लाइन पे किक मारी और अब दूर गए और वो ले आए फायर एक्सटिंग्विशर। और ये देखिए, ये फायर एक्सटिंग्विश करने का जो पाउडर होता है वो उन्होंने बतौर हथियार इस्तेमाल किया रिकी स्टार्क्स। लेकिन हम आपको बताएंगे कि एक्शन की आग बुझने वाली नहीं है, यहाँ वायलेंस की लपटें यहाँ भड़कती रहेंगी। अभी ये देखिए सैमी की अगली कोशिश, रिकी स्टार्क्स को दीवार में दे मारा है उन्होंने। सैमी गुवारा एक्शन में है और ये देखिए क्रिस जेरिको ने भी फायर एक्सटिंग्विशर अपने हाथ में उठाया है, बिग बिल के उठने का इंतजार कर रहे हैं। और ये मारा कंधे पे और ये काफी खतरनाक हथियार है अगर ये कारगर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। और ये देखिए दीवार में दे मारा है रिकी स्टार्क्स ने सैमी गुवारा को। सिंडर ब्लॉक वॉल्स हैं ये, बेहद मजबूत, और उस पर जब इंपैक्ट होता है तो वो अलग ही लेवल का होता है। और अब देखिए यहाँ पे खाने पीने की चीजों की टेबल के सामने ये एक्शन हो रहा है। और ये देखिए रिकी स्टार्क्स को दीवार में दे मारा गया। रिफ्रेशमेंट टाइम है ये शायद इनके लिए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जितने मर्जी हथियार इस्तेमाल करो पर खाने पीने को बर्बाद मत करो, खाने पीने की चीजों को इस तरह से बतौर हथियार इस्तेमाल मत करो। ये देखिए केचप का इस्तेमाल किया गया है बतौर हथियार, और अब पानी की बॉटल जो होती है बड़ी वाली बॉटल उसका बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया है। और अब एक और हथियार आ गया है, केंडो स्टिक आ गई है क्रिस जेरिको के हाथ में। लेकिन रिकी स्टार्क्स ने पहले ही वार कर दिया था। और अब ये देखिए एक्शन को, ये देखिए अब अरीना में ले गए हैं क्रिस जेरिको, बिग बिल पर हमले कर रहे हैं केंडो स्टिक से। माय गॉड क्या नजारा है, स्टिक से पीटते हुए बिग बिल को जेरिको लेकर जा रहे हैं रिंग की तरफ। देखिए जरा, कोई सोच नहीं सकता बिग बिल जैसे लंबे चौड़े रहीम शहीम योद्धा का ऐसा हाल, और सैमी भी एक अलग ही मोड में है इस वक्त। ब्रूटैलिटी की हदें पार की। जी रिकी और बिग बिल की मजबूत जोड़ी को बहुत बुरी तरह डोमिनेट किया है इस वक्त। और ये देखिए जेरिको कुछ और चाहते हैं, अब टेबल खाली करा दिया उन्होंने। और वो देखिए फिर केंडो स्टिक से वार, गुवारा के ऊपर लगता है घातक हमला हुआ है। और ये देखिए टेबल का इस्तेमाल बतौर हथियार किया उन्होंने, और अब टेबल को पोजीशन कर रहे हैं क्रिस जेरिको। और यहां पे सैमी गुवारा पलटवार कर रहे हैं, टेबल को पोजीशन कर दिया है, दो टेबल्स को एक साथ लगा दिया है क्रिस जेरिको ने। और अब क्रिस जेरिको देखिए बिग बिल के बाल पकड़ के उन्हें ले आए हैं, बिग बिल का तमाम गुरूर आज इन्होंने शांत कर दिया लगता है। जी बिग बिल के चेहरे पर मस्टर्ड सॉस लगी हुई है। और ये देखिए बिग बिल ने अब पलटवार किया है, क्या बिग बिल इन टेबल्स को बता रहे हैं यार इस्तेमाल कर लेंगे। ये देखिए चोक स्लैम की कोशिश है बिग बिल की, लेकिन रेजिस्टेंस आ रही है थोड़ी बहुत। और ये क्रिस जेरिको रेजिस्ट कर रहे हैं, क्रिस जेरिको ने देखिए उन्हें लो ब्लो दे दिया, बिग बिल बैठ गए। लेकिन ये लो ब्लो भी जायज है क्योंकि यहाँ नो डिस्क्वालिफिकेशन का मंजर है, सब चलता है, मैच का फैसला कहीं भी हो सकता है। बैटल ऑफ द बेल्ट्स 9 का AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप। उसके ताकेशिता आ गए और उन्होंने केंडो स्टिक से अटैक कर दिया है जेरिको। और देखिए बिग बिल ने हमला कर दिया, पावर बॉम्ब दे दिया, तबाही मचा दी यहाँ। और देखिए टेबल्स टूटी और धराशायी हो गए दोनों योद्धा, क्रिस जेरिको और बिग बिल दोनों धराशायी हो गए, बेसुध पड़े हैं। पर मैच का फैसला नहीं हुआ है, रेफरी कह रहे हैं क्या किया। वो लो ब्लो दे दिया सैमी ने, देखिए लैडर पर जा रहे रिकी स्टार्क्स को। रिकी स्टार्क्स नीचे आ रहे हैं, सांप सीढ़ी का खेल देखा है ना आपने। जी 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 जी
रिकी स्टार्क्स को नीचे ले आए सैमी गुवारा। ये मुस्कुराहट देखिए सैमी के चेहरे पर, ओ ऊपर जाते जाते नीचे आए और ये देखिए अपने गियर को हटा दिया है अपने शरीर से। नए जोश के साथ में अच्छी खासी ऊंचाई पर जा रहे हैं और नीचे रिकी स्टार्क्स लेटे हैं। रिकी स्टार्क्स को बहुत वक्त दे दिया है सैमी ने, कहीं ये कोई रणनीतिक गलती ना हो, क्योंकि ऐन मौके पे अगर रिकी स्टार्क्स हट गए तो सैमी गुवारा खुद अपने मूव के शिकार हो सकते हैं। ये बहुत ज्यादा हाइट है, जब ग्रेविटी के साथ में वो नीचे आएंगे तो उनको चार गुना ज्यादा प्रतिरोध नीचे सरफेस पे झेलना पड़ सकता है। ये देखिए टॉप रोप पे है वो नो और हट गए। ये देखिए पावर हाउस हॉब्स ने बचा लिया रिकी स्टार्क्स को एन मौके पर, और आहत कौन हुआ, आहत कौन हुआ, जिसका अंदेशा था, मैं बार बार ये कह रहा था, बहुत वक्त दे दिया है उन्होंने। और देखिए सैमी कवर, एक दो तीन, रिकी स्टार्क्स और उनकी टीम जीत गए हैं ये मैच। My God, क्या मैच था, क्या एक्शन था। डॉन कैलिस फैमिली के मेंबर्स ने यहां आकर इस मैच का समीकरण पूरी तरह बदल दिया और रिकी स्टार्क्स और बिग बिल ने रिटेन कर लिए अपने टाइटल्स। क्या रिकी स्टार्क्स और बिग बिल को ये एहसास भी है कि उनकी किसने मदद की है? जब उन्हें होश आएगा और उन्हें वीडियो क्लिप्स दिखाए जाएंगे तो उन्हें जाके शुक्रिया कहना चाहिए, धनुष के ताके शीता और पावर हाउस बॉक्स का। ये देखिए बेहद खतरनाक बल, और ये तो क्लाइमैक्स था। ओ पावर हाउस हॉब्स ने एन वक्त पर हटा लिया रिकी स्टार्क्स को और खुद अपने मूव के शिकार बन गए सैमी गुवारा। बहुत ही जबरदस्त मैच, AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप मैच, जिसमें अपने टाइटल्स को कामयाबी से रिटेन किया बिग बिल और रिकी स्टार्क्स ने। अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे रिकी स्टार्क्स और बिग बिल, लेकिन जीत का जश्न मनाया जा रहा है उनके द्वारा और उनके फैंस के द्वारा। तो इस बेहद जबरदस्त स्ट्रीट फाइट मैच के बाद अब इंतजार रहेगा हमें यहाँ और भी बहुत से मैचेस का, जहाँ एक्शन होगा रिंग में रूल्स के मुताबिक। फिलहाल